बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से। नवोदय नगर में विद्युत संकट को लेकर अवर अभियंता से शिकायत। नवोदय नगर वार्ड नंबर 13 से अघोषित कटौती के कारण आय जल आपूर्ति व्यवस्था में काफी परेशानी का सामना जनता को लंबे समय से करना पड़ रहा था, जिसे पर्वतीय बंधु समाज के अध्यक्ष महावीर गुसाई और चेयरमैन प्रतिनिधि दीपक नौटियाल द्वारा गंभीरता पूर्वक लेते हुए एक शिकायती पत्र अवर अभियंता एसके सहंगल को दिया गया। एसके सहंगल ने पूरा आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोगों द्वारा बताए गए समय पर विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होगी, साथ ही हर ट्रांसफार्मर में सीट डाउन की व्यवस्था शीघ्र ही की जाएगी ताकि सभी को परेशानी का सामना न करना पड़े। असहाय विकलांग सेवा ट्रस्ट के सचिव शिवाकांत पाठक ने नवोदय नगर की जन समस्याओं में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने वाले महावीर गोसाई एवं दीपक नौटियाल के कार्यों की सराहना की है। पूरे नवोदय नगर की अगर किसी की एक छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो नवोदय नगर की पूरी लाइट जाती है, उसके बारे में आप क्या समाधान निकालेंगे? उसमें प्लानिंग ये है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उनमें MCV वगैरह लगाने का प्रोविजन रखा जाएगा, और जैसे ही MCV का लग जाएगा तो इस प्रकार की समस्या का निराकरण भी कर दिया जाएगा। मतलब केवल उसी ट्रांसफार्मर से जो लाइट जा रही है वो वहाँ के लोगों के लिए उस टाइम के लिए बंद हो जाएगी, बाकी पूरे नवोदय नगर में लाइट रहेगी। बिल्कुल सही। जी जी, धन्यवाद। हाँ तो गुसाई जी, आप बताएंगे कि नवोदय नगर की किन समस्याओं को लेकर आप यहाँ विद्युत विभाग में आज आए हुए हैं? मैं आपको बता दूँ कि हम लोग जो है कि नवोदय नगर के बिजली के संबंध में यहाँ आए थे बिजली विभाग के ऑफिस में, कि वहाँ पे जो है कि बिगर बताए रोस्टिंग बताई जाती है और सुबह शाम पानी का टाइम होता है, जैसे ही पानी चलने को होता है उसी टाइम लाइट काट दी जाती है, हर घर में पानी नहीं पहुँच पाता है, कई समितियों द्वारा वहाँ पर पानी चलाई जाती है, लेकिन समितियाँ भी उसमें क्या करेंगी कि क्योंकि बिजली विभाग द्वारा लाइट काट दी जाती है। तो हम इसी संबंध में अधिक साक्षी अभियंता जी से मिले और उनको ज्ञापन भी दिया कि जो है कि नवोदय नगर में कम से कम सुबह 6 बजे से और 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक लाइट ना काटी जाए, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इस टाइम पर लाइट नहीं काटी जाएगी। हाँ तो पर्वतीय बंधु समाज के साथ दीपक नौटियाल जी पधारे हुए हैं, बताइए किस समस्या को लेकर आए थे आप? देखिए, समस्या ये है कि नवोदय नगर के अंदर बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि जब मर्जी चाहे लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है। हमारे यहाँ पे नवोदय नगर में जो जल संस्थान की तरफ से कोई पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पानी भरा जाता है वो समितियाँ बनाई हुई हैं या पानी के टैंक बने पड़े हैं जिसमें पानी के टैंक में पानी भरा जाता है, सुबह और शाम भरा जाता है। तो पानी किसी ने चढ़ा दिया, मालूम पड़ा लाइट चली गई, तो जब लाइट चली गई तो पानी का टैंक नहीं भरता, टैंक नहीं भरता तो फिर पानी की सप्लाई भी हम नहीं कर पाते। तो उसी संबंध में हम यहाँ पे बात करने के लिए आए कि एक तो रोस्टिंग के बारे में हमारे को पहले से ज्ञात हो कि रोस्टिंग कितने से कितने बजे हो रही है, ताकि लोगों तक ये मैसेज चला जाए और अपना जिसको जो भी अपनी समस्या है उसका निवारण जैसे भी करना है वो कर सके। और दूसरा ये है कि हम ये चाह रहे थे कि जो जितनी तारें नवोदय नगर के अंदर लगी पड़ी हैं वो खुली तारें, चाहे वो 11,000 की वोल्ट हो या LTE की लाइनें हो, तो हम ये चाह रहे थे कि उसमें इंसुलेशन उनका हो जाए, जिसके लिए उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ ये हमारा प्रस्ताव भी पास हो रहा है और फंड भी आ रहे हैं और ये दोनों काम भी हो जाएगी। साथ ही हमने एक बात और बोली थी कि यहाँ पे किसी एक मीटर किसी का लगाना हो या किसी का छोटा फॉल्ट हो तो पूरे नवोदय नगर की लाइट चली जाती है, जिसके लिए हमारे को अधिशासी बिंता जी ने बताया कि जब भी अब ऐसा वो प्रोसीजर करने जा रहे हैं हर ट्रांसफार्मर के ऊपर, ताकि अब ट्रांसफार्मर जिस ट्रांसफार्मर से जहाँ पे लाइन जा रही है और जिस क्षेत्र में क्या कहते हैं प्रॉब्लम है, केवल उस ट्रांसफार्मर से लाइट को कट करके और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, पूरे नवोदय नगर के अंदर लाइट बन जाएगी। हरिद्वार से अपडेट मीडिया के लिए रणविजय कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।